भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी की टीम धनबाद नगर निगम में फाइलों को खंगाल रही है। बता दें कि एसीबी की एक टीम धनबाद नगर निगम कार्यालय पहुंची। इसके बाद नगर आयुक्त चंद्रमोहन कश्यप से जांच के लिए विकास कार्यों की फाइलों की मांग की। वहीं एसीबी टीम को देखते ही निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। एसीबी के अधिकारी धनबाद नगर निगम कार्यालय में बैठकर फाइलों को खंगाल रहे हैं। एक एक फाइलों की जांच की जा रही है और जांच में गड़बड़ी मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। वहीं धनबाद नगर निगम कार्यालय में एसीबी की कार्रवाई को लेकर डीएमसी के अधिकारी और कर्मचारी सकते में है। नगर निगम के तमाम छोटे बड़े अधिकारी मामला जानने में जुट गए हैं। जांच में टीम रांची एसीबी के अधिकारी शामिल हैं। जांच टीम का नेतृत्व एसीबी के डीएसपी एम रहमान कर रहे हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो रांची की तरफ से ये प्रिवेंटिव चेक चल रही है। ये चेक जो होता है कि यहाँ काम कौन कौन से काम पेंडिंग है, क्यों पेंडिंग है, क्यों पब्लिक को उसका सर्विस के तहत क्यों नहीं टाइमली उसका काम मिल जाता है, उस चीज़ को हम लोग चेक कर रहे हैं कि आखिर यहाँ उस तरह है या नहीं है। हाँ, पूरे झारखंड में ही हो रहा है, रांची में कुछ टीमें हैं जो उधर गए हुए हैं। सर, अब तक जांच में क्या पाया? अब तक जांच, अभी तो जांच शुरुआत ही हुई है, शाम तक कुछ बता पाएंगे। बता दें कि झारखंड सरकार को धनबाद और रांची नगर निगम में भ्रष्टाचार की शिकायत मिल रही है, जिसके बाद फाइलों की जाँच की जा रही है। झारखंड में सरकार बदली है, भाजपा सरकार जाने के बाद झामुमो की सरकार बनी है। इसी जांच को राज्य में सत्ता बदलाव के नजरिए से भी देखा जा रहा है। हेमंत सरकार को सूचना मिली है कि धनबाद के साथ ही रांची नगर निगम में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। न सिर्फ बड़े बड़े बल्कि छोटे छोटे कार्यों में भी अनियमितता बरती गई है, जिसके बाद सरकार ने जाँच के आदेश दिए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट।